दोस्तों, मैं संजय महाजन आपके अपने YouTube चैनल विनर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है साइड में दर्द। जब आप दौड़ते हो तो आपके साइड में दर्द करने लगता है। आप लोगों के भी दिमाग में यह बात आती होगी कि सर, मैं बहुत दौड़ना चाहता हूं पर मैं जब दौड़ता हूं, जब धीरे दौड़ता हूं तो कोई बात नहीं, पर जैसे ही स्पीड पकड़ता हूं तो मेरा दर्द बढ़ने लगता है। दोस्तों, आपका मन बहुत कर रहा है दौड़ने का पर आप दौड़ नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके दर्द हो रहा है। तो दोस्तों, ये दर्द कोई बहुत बड़ा दर्द नहीं है, नॉर्मल दर्द है। अगर आप इस वीडियो को पूरा फॉलो करते हैं, पूरा देखते हैं, तो ये रामबाण आपके लिए साबित होगा। सबसे पहले दोस्तों, जब आप रनिंग के लिए आते हो, जैसे आप घर से निकले रनिंग के लिए आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, गहरी गहरी सांस, घर से ही निकल रहे हो, गहरी गहरी सांस लेते हुए निकलना है और नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ते चलना है, नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ते चलना है। जैसे जब आप ग्राउंड पर आते हो तो आप ग्राउंड पर बैठ कर आराम से तसल्ली से बैठ जाए, गहरी सांस ले, अच्छे से सांस ले, पूरे फेफड़ों में भरें, होल्ड करें और धीरे धीरे उसको छोड़ें। अगर दोस्तों आप ये लगातार करते हैं तो आपके दर्द में ये छुटकारा मिलेगा, आपको दर्द साइड का नहीं होगा क्योंकि आपको ऑक्सीजन पूरा मिल रहा है। उसके बावजूद भी जब आप दौड़ रहे हैं और आपके दर्द शुरू हो रहा है, मतलब मान लो कि इधर आपके दर्द शुरू हो गया इस तरफ, तो आपने ये अंगूठा आपने जोर से दबाना है और दौड़ते रहना है। 100-200 मीटर तक अगर आप ऐसे दौड़ते रहें तो दोस्तों आपका दर्द कम होगा, आपको रिलीफ मिलेगा, अच्छे से दर्द वो कम हो जाएगा। अगर आप रुक जाते हो दर्द ज़्यादा बढ़ेगा, फिर आप दौड़ नहीं पाओगे, आपने दौड़ते रहना है। और अगर आपका इस तरह का दर्द हो रहा है, इस तरफ दर्द हो रहा है, तो आपने इस अंगूठे को जोर से दबाना है, गहरी सांस लेना है, धीरे धीरे दौड़ते रहना है। और अगर दोस्तों आप चाह रहे हैं कि दर्द हो ही ना, अगर आप चाह रहे हो कि बिल्कुल मुझे दर्द ना हो और मैं दौड़ता ही रहूं, तो जो एक्सरसाइज बता रहे हैं अगर आप वो करते हैं नियमित तौर से, अच्छे तरीके से करते हैं, तो आपके वो दर्द खत्म होगा। देखो दोस्तों, आपके साइड दर्द का एक्सरसाइज बता रहे हैं, जो साइड में दर्द होता है, आपके पेट पकड़ता है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस तरह से जो आपका ये हाथ है, आपने उस पैर तक जाने देना है, यहाँ पे आपके खिंचाव आना चाहिए, ये आपने करते रहना है, ये जो साइड में है आपके यहाँ पर खिंचाव आना चाहिए, ये बढ़िया तरीके से दोस्तों आपने करना है, ये आपने बढ़िया तरीके से करना है, इसके सेट बना लेना है कि आपने 10 बार करना है, 20 बार करना है, जितना आपको उचित लगता है, जितना आप सहन कर सकते हो उतना आपने करना है। हाँ दोस्तों, दूसरी एक्सरसाइज, दोनों हाथ आपने प्रॉपर पीछे टेकने, देखा इस प्रकार से आपने दोनों हाथ अच्छे से टेकना है पीछे। अब देखिए किस प्रकार से करेगा ये, हाँ देखिए, इस प्रकार आपने एक तरफ इधर पैर लेके जाने हैं और एक तरफ इधर पैर लेकर जाना है, जिससे कि आपका ये साइड का एक्सरसाइज हो रहा है और आपके दर्द, साइड वाला दर्द के लिए बता रहे हैं, साइड वाला दर्द आपका दूर हो जाएगा अगर आप नियमित तौर से कर रहे हैं तो दूर हो जाएगा। शाबाश, ये हो गई दूसरी एक्सरसाइज। हाँ तीसरी एक्सरसाइज इस प्रकार से दोस्तों, देखो आपने इस प्रकार से पैर उठाने, ये पैर यहां रहेंगे, ये हाथ यहां रहेंगे, अब देखना है किस प्रकार से करना है, ये साइड टू साइड जाना है आप लोगों ने, देखिए बढ़िया तरीके से करना है दोस्तों, आपने आपके साइड दर्द नहीं होगा। हाँ थम हो जा, अगर आप ये नियमित तौर से करते हैं, सेट बना लेते हैं इसके, तो आपके जो साइड में दर्द होता है वो दर्द नहीं होगा। साइड में दर्द होने की वजह से आप रनिंग नहीं कर पाते हो, इसलिए एक्सरसाइज आपके बता रहे। तीसरी एक्सरसाइज होगी, हाँ चौथी, इस प्रकार से आपने प्रॉपर बॉडी को ऐसे रखना, देखिए हाथ कैसे रखे इसने इस प्रकार से, अब देखना क्या कर रहा है ये, हाँ ये साइड में ले जाना है आपने पैर, देखिए किस प्रकार से, कोशिश करना है आपने पूरे अच्छे से साइड में पैर ले जाए और करे, साइड का दर्द दोस्तों आपके साइड का दर्द खत्म होना है। अगर आप नियमित करते हैं तो आपका साइड का दर्द खत्म होगा, नहीं होगा दर्द, क्योंकि साइड के दर्द से आप लोग रनिंग नहीं कर पाते। चौथी एक्सरसाइज होगी, देख रहे हैं दोस्तों आप लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, आप वीडियो को पूरा फॉलो करें, देख के करें, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। जो बताया मैंने कि श्वास कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, और ग्राउंड पर अगर क्या करना है, फिर एक्सरसाइज क्या करनी है, अगर आप ये वीडियो पूरा फॉलो कर लेते हैं और अच्छे से इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, नियमित करेंगे, तो फल मिलेगा आपको दोस्तों। ये नहीं कि एक दो दिन किया और सर हमारा दर्द नहीं गया, ऐसा नहीं होगा। अगर आप महीना दो महीना इसको कंटिन्यू करते हैं तो ये होगा। और दोस्तों, कोई सी भी एक्सरसाइज कुछ भी करोगे आप लोग, ग्राउंड पर आने के बाद ही होता है। अगर आप सोचते हैं कि हम घर से कर लेंगे तो वो नहीं हो पाता, जब तक आप ग्राउंड पर आते हैं तभी होगा, क्योंकि ग्राउंड पर सब करते तो दर्द खत्म होगा। हाँ
पांचवी एक्सरसाइज। अभी इस प्रकार से आपने प्लैंक करना है, ये देखिए, इससे भी आपको इस दर्द में काफी राहत मिलेगी। ये भी आप लोगों ने जब तक होता है तब तक आपने इस तरह से बॉडी को रखना है। ये प्लैंक है, अभी साइड प्लैंक भी बता देगा कि कैसे करना है। इस प्रकार से आप रखोगे तो आपका दर्द होगा और आपका पेट भी मजबूत होगा। ठीक, छठी एक्सरसाइज यहीं से। हाँ, ये देखिए, इस प्रकार से आपने पूरी बॉडी को इस प्रकार से रखना है और साइड में इस हाथ को उठाना है। इस हाथ पे आपका जोर आना चाहिए, इधर भी आपकी स्ट्रेच होना चाहिए और इधर भी होना चाहिए। हाँ, सेम। फिर से देखिए, इस प्रकार से आपने आना है, इस प्रकार से करना है। देख रहे हैं दोस्तों आप लोग? तो दोस्तों, जो आपको एक्सरसाइज बताई है आपने वो एक्सरसाइज अच्छे से करनी है, नियमित तरीके से करनी है और डाइट का भी ध्यान देना है। अगर आप नियमित तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, डाइट का ध्यान देते हैं, तो दोस्तों आपको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे बहुत सारे लड़के हमारे जो कि बहुत टॉप की रनिंग कर रहे हैं, गोला भी बहुत अच्छे से फेंक रहे हैं, लॉन्ग जंप भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। दोस्तों, इसका नाम करण है, पिछला भी हमने एक इसका वीडियो डाला था जो कि इसने 1600 मीटर इसने चार तिरालीस में इसने क्लियर किया था और 1800 मीटर इसने 5:20 में क्लियर किया था। इसका आर्मी का पूरा क्वालिफाई हो गया है और कुछ ही दिन में मेरिट लिस्ट में इसका नाम आ जाएगा। दोस्तों, जो मेहनत कर रहा है उसके साथ हम हैं, कंटिन्यू लगे हैं। सुबह 6 बजे आते हैं, 10 बजे तक ग्राउंड पर रहते हैं, शाम को 4 बजे आते हैं और 7 बजे तक हम ग्राउंड पर रहते हैं। विनर्स का ग्राउंड है और विनर्स को आप लोग जानते हैं। अगर आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो विनर्स को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सच है, जो भी है आपको यहाँ पर सच मिलेगा, झूठ का हमसे कोई नाता रिश्ता नहीं है। अगर आपको विनर डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करनी है तो आप बहुत अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस में आपका लाइफ टाइम का कार्ड बन रहा है, जैसे कि कई बच्चे मेरिट लिस्ट में रह जाते हैं वो फिर से अपना फिजिकल कर रहे हैं, कई बच्चे हैं जो फिजिकल कर लेते हैं रिटर्न में रह जाते हैं उसके बाद दोबारा, जैसे कि SSC GD का हो गया, आर्मी का हो गया, कोई सा भी फिजिकल रेलवे में है, साल भर पहले कार्ड बनाया था और नहीं नंबर लग पाया रिटर्न में या मेरिट लिस्ट में, उसके बावजूद भी जब वो बच्चा वापस आता है क्योंकि उसका फिजिकल का उसने कार्ड बना रखा है तो ग्राउंड पर वो दौड़ सकता है। वीडियो अगर आपको कंटिन्यू अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।